हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट ऑफ फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बाउंटी बार्स एंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डूज एंड डोंट्स व्हाइल मेकिंग दिस रेसिपी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बाउंटी बार्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप यानी 1 कप श्रेडेड कोकोनट लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क मेड यूज़ किया है एंड इसके बाद यहाँ मैंने डेरी मिल्क की चॉकलेट ली है, पर अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड है तो वो बेस्ट है, आप चॉकलेट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक बोल ले रही हूँ एंड इस बोल के अंदर मैं कोकोनट एंड मिल्क मेड एक दूसरे के साथ मिक्स करूँगी। एंड अगर आप लोगों के पास मिल्क मेड नहीं है या आपको वो यूज़ नहीं करना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मिल्क मेड के सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको श्रेडेड कोकोनट ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है तो ये आपको किसी भी राशन की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और अगर नहीं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है जिससे आप श्रेडेड कोकोनट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारा मिल्क मेड कोकोनट के अंदर डाल लिया एंड मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी टिल ये अच्छे से कम्बाइन ना हो जाए एक दूसरे के साथ और एक डो सा ना बन जाए। तो यहाँ मैंने मिल्क मेड और कोकोनट को अच्छे से मिक्स कर लिया और हम देख सकते हैं एक डोसा फॉर्म हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक टिफ़िन सा लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं जो कि ऐसा हो, रेक्टेंगुलर हो शेप में, तो मैंने इसको लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्शमेंट पेपर लिया है जो मैं इस टिफ़िन बॉक्स के अंदर लाइन कर लूँगी। एंड अगर आपके पास पार्शमेंट पेपर नहीं है तो आप कोई सा फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, या आप सीधा डो में से बार्स की शेप फॉर्म कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको वो करके दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे मैं सारे मिक्सचर को टिफ़िन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। टिफ़िन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम अपनी बार्स को 2 पोर्शन में चिल करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था मैं डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगी, तो उस हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर लिया एंड हम इसे 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे सेटल होने के लिए। एंड उतने में यहाँ पे हम चॉकलेट प्रिपेयर कर लेंगे अपनी बार्स को कोट करने के लिए। आप इस चॉकलेट में से सारे क्यूब्स को अलग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है तो आप इसके सारे क्यूब्स को अलग करके मेल्ट कर लीजिए, पर यहाँ पे मैं चॉकलेट को अच्छे से चॉप कर लूँगी क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर हम बहुत बड़े बड़े पीसेस डालेंगे वो तो लेट मेल्ट होगा। तो यहाँ मैं सारी चॉकलेट को चॉप कर लेती हूँ एंड मैंने इस चॉकलेट को थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ही रखा था ताकि ईजिली चॉप हो जाए। तो यहाँ मैंने सारी चॉकलेट चॉप कर ली है, तो अब मैं इसे एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। यस, मैं इस चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट तो आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि डबल बॉयलर में कैसे चॉकलेट मेल्ट होती है। डबल बॉयलर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बॉयलर लिया है यानी पतीला लिया है जिसमें मैंने आधा पानी भर दिया है एंड आपको उसके ऊपर सीधा अपना कंटेनर रखना है जिसमें आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। यहाँ मेरी चॉकलेट ऑलरेडी मेल्टेड है क्योंकि मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर चुकी हूँ, तो आप इस वे में भी अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा मिल्क या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं टू मेक इट सिल्की एंड स्मूथ। एंड आफ्टर 30 मिनट्स हमारी बार्स का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है सेट होके, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एंड अब इसके बाद हम इसके पोर्शंस करेंगे। तो मैं इसके 4 पोर्शंस यहाँ पे कर रही हूँ, हम इसके आराम से 8 बार्स बना लेंगे। तो यहाँ मैं इसको कर रही हूँ एंड अब हम इसे टर्न करके बीच में से भी पोर्शंस कर लेंगे क्योंकि हमारे जो बाउंटी बार्स हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं, वैसे ही अच्छे लगते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं। देन यहाँ मैंने एक पोर्शन लिया है, अब इसे मैं शेप दे रही हूँ बार का, तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम साइड से इसको शेप दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको टिफ़िन में डालने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा डो में से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको डो में से सीधा बार प्रिपेयर करनी है तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच
डो ले लिया है, अब इसको मैं हाथ में ऐसे रोल बना के उसको शेप दे रही हूँ प्रेस करके ऊपर से एंड साइड से। ईजीली ये बहुत ही अच्छी बार बन जाएगी जैसे हम देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी बार्स को शेप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारी बार्स को शेप देकर रेडी कर लेंगे। एंड जब हमारी सारी बार्स रेडी हो जाएगी, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फ्रीज देम फॉर 30 मिनट्स। हमें 30 मिनट के लिए हमें इसे फ्रीज़ करना है, yes. और अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे, सो दिस इज़ द टाइम वेर आई एम टेलिंग यू द डोंट पार्ट। तो अब मैं ये 30 मिनट फ्रिज में सेट हुई बार इस चॉकलेट में डिप कर रही हूँ एंड देखते हैं हम कि ये स्मूद वापस आती है कि नहीं, मतलब स्मूदली कोट होती है कि नहीं चॉकलेट से। यहाँ मैं इसको चॉकलेट से कोट करती हूँ। एंड अगर आपको है कि आपको एक ही बार में सारी बार्स बना के 1 घंटे के लिए इसे फ्रीज करना है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। आप 1 ही घंटे में इसे फ्रीज कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ चॉकलेट कोट हो चुकी है एंड हम देख सकते हैं कि चॉकलेट परफेक्टली कोट नहीं हुई हमारी बार के ऊपर, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हमने इसको रेफ्रिजरेट किया इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग। बिकॉज रेफ्रिजरेट करी हुई चीज़ ज़्यादा जल्दी गर्म होती है इंस्टेड ऑफ फ्रीज्ड वन। सो आई विल रिकमेंड यू टू फ्रीज योर बार्स। एंड अब मैं आपको कंपेयर करवाऊंगी विद फ्रीज बार्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं मैंने फ्रीज बार को कोट किया चॉकलेट से एंड वो कितनी अच्छी कोट हुई है। एंड सॉरी फॉर द मेस, लेट्स सी कितनी परफेक्टली कोट हो रही है। तो अब यहाँ मैं सारी बार्स को चॉकलेट के अंदर कोट कर लूँगी। तो हमारी सारी बार्स कोट होकर रेडी हैं। तो हम डिफरेंस देख सकते हैं कि ये दो हमारी नॉन फ्रीज वन है जिसे हमने अच्छे से रेस्ट नहीं होने दिया ना फ्रीज, और ये हमारी फ्रीज वन है और हम देख सकते हैं कितने अच्छे से कोट हुई है। अब वी हैव टू फ्रीज इट फॉर 1 आवर अगेन सो दैट चॉकलेट परफेक्टली कोट हो जाए एंड सेटल हो जाए बार्स के ऊपर। तो अब हम इन्हें फ्रीज होने के लिए रख देते हैं। सो आफ्टर 1 आवर हमारी चॉकलेट परफेक्टली रेडी हो चुकी है। हम देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। तो हम इसे सर्व करेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे आपको बाउंटी बार को कट करके अंदर की फिलिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी बाउंटी बार कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी अच्छी लग रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।